सो गाइस आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के नोट 40 डिवाइस के अंदर चार्जिंग एंड अलर्ट सेटिंग का एक्सेस कैसे करोगे। गाइस ये जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी आपने फोन के अंदर लाइक चार्जिंग आपने कनेक्ट करा फोन को और उसको डिस्कनेक्ट करते हो, फोन से डिस्कनेक्ट करते हो चार्जिंग को, तो वो एक अलर्ट आता है, एक साउंड आती है। इवन गाइस ये जो प्रोसेस है ये हेडफोन अनप्लगइन पे ही आता है। अगर आपने हेडफोन से सॉन्ग वगैरह सुन लिया, आपने उसको अनप्लगइन करेंगे, दैट मींस रिमूव करेंगे, तो भी ये अलर्ट दिखाई देगा। तो अगर ये चार्जिंग अलर्ट लगाना है तो आप इजीली फोन के अंदर लगा सकते हैं। फोन के अंदर इसका जो सेटिंग्स मिलता है हमें थीप अलर्ट करके मिलता है। आप चाहे तो सेटिंग्स में सर्च बार में टाइप कर सकते हैं, तो मे भी हो सकता है ऑप्शन आ जाए, क्योंकि सेटिंग्स जो है बहुत सेटिंग्स के अंदर होती है तो सर्च करने से नहीं आती है। तो इजी प्रोसेस ये है कि कंट्रोल सेंटर को डाउन करिए, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा थीप अलर्ट, इसको प्रेस करना है एंड लॉन्ग प्रेस कर देंगे इसको इस तरीके से, एंड रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके मैनुअल सेटिंग में जो इसका मेन सेटिंग्स है, एंड इसको हम ऑन कर लेते हैं। चार्जिंग डिसकनेक्टेड एंड गियर फोन अनप्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले ही दोनों ऑप्शन पे काम करता है। तो जब भी आप देखो चार्जिंग को डिसकनेक्ट करोगे, गियर फोन को अनप्लगइन करोगे, तो ये साउंड आएगी, इसमें एक अलर्ट आता है, नोटिफिकेशन ही होता है बट वो अलर्ट होता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा जो चार्जिंग है वो डिसकनेक्ट हो गया है। अगर चार्ज नहीं हो रहा फोन तो भी बता देगा, बट अगर आप ऐसे किसी ले कह सकते हो लोकेशन पे हो जहाँ पर आपने चार्जिंग पे कनेक्ट करके फोन को छोड़ दिया, कोई और अनप्लगइन करता है, तो भी आप इजीली जान सकते हो। तो ये ठीक ठाक है, अगर आप ट्राई करना चाहे तो इस ऑप्शन का एक्सेस कर सकते हो, और मुझे पर्सनली तो ठीक लगा, बट अगर आपको ट्राई करना है तो थीप अलर्ट को यूज करके चार्जिंग अलर्ट लगा सकते हो। आई थिंक गाइस समझे होंगे कैसे यूज करना था इसका, एंड फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजिंग होती है सो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।